असम, छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में 21 दिसंबर को निगम चुनाव में पार्षद के लिए वोट डाले गए। इस बार पार्षद चुनाव में निगम मेयर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद दल करेगा। पार्षद द्वारा मेयर चुने की पद्धति का भाजपा लगातार विरोध कर रही थी। भाजपा की मांग थी कि पहले जैसे मेयर चुनाव डायरेक्ट जनता के हाथ में रहे, 6 तारीख को नाम वापसी की तारीख के साथ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों का नाम तय हो गया था। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी किसको डैमेज कर रहे हैं, यह समझना बहुत कठिन जा रहा है। आज दिन भर निगम पार्षद चुनाव के दौरान प्रत्याशी और पार्टी के लोग वोट मांगते दिखे। पार्षद चुनाव और सरपंच राम सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। सभी प्रत्याशियों का भाग्य और उनके जनसमर्थन बैलेट बॉक्स में बंद हो गया है। 24 तारीख को जनसमर्थन की सच्चाई सामने आएगी। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीतने का दावा कर रहे हैं। देखते हैं किस प्रत्याशी और पार्टी नेता ने अपने जीत के दावे पर क्या कहा। निगम का चुनाव चल रहा है, आज 21 दिसंबर है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी हम राजनांदगांव में महात्मा गांधी वार्ड में हैं, वार्ड क्रमांक सात में, और हमारे साथ इसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका ले रहा हूं इंटरव्यू। दो पत्ती से खड़े हैं इस बार। निर्दलीय प्रत्याशियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है अगर हंग निगम बैठती है, अगर वो नहीं होता तो ये निर्दलीय प्रत्याशी तय करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। मैं पहले तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम राजेंद्र बबलू सोनी, निर्दलीय प्रत्याशी, दो पत्ती में। मेरा चुनाव चिन्ह है। मान ये जो साहब आप जो अब जी चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं, तो 6 तारीख को नामांकन का आखिरी तारीख थी वापसी की, आपने जो चुनाव लड़ा है क्या लग रहा है, क्यों आपको लोग वोट दे रहे हैं? मेरे को इसलिए वोट दे रहे हैं, कांग्रेस से और बीजेपी से लोग बहुत तरस हो गया, खपा है उनसे, और वो इसी कारण मेरे को वोट दे रहे हैं, और जनता जनार्दन का मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। आपको जो निर्दलीय जो आप अभी खड़े हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है दोनों पार्टियों से मैं क्या उनकी फाइनेंसिंग और आपकी फाइनेंसिंग में क्या अंतर था? फाइनेंसिंग तो मेरे को सारे मेरे मतदाताओं लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं मेरे को, वोट के माध्यम से मेरे को, मेरा खर्चा कुछ नहीं, खाली आशीर्वाद मेरे मतदाताओं का मिल रहा है, जनता जनार्दन का मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। मान लीजिए आप अगर जीतते हैं चुनाव तो आपका मन किस तरफ रहेगा? मेरा मन कांग्रेस पे रहेगा। मैं कांग्रेस पे टिकट मांगा था मैंने, किसी कारण बस मेरे पार्टी मुझे टिकट नहीं दी थी, बाकी मेरे पार्टी ने अभी मेरे को निष्कासित भी नहीं किए हैं, तो मैं रुख तो मेरे पार्टी में ही करूंगा मैं। और जैसे आपका विजन क्या रहेगा इस वार्ड के लिए अगर आप? मेरा विजन रहेगा विकास, विकास रहेगा। क्या है इस वार्ड के मेन मुद्दे? बिजली, पानी, गार्डन है, मंदिर है, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ जिम का भी मामला आ रहा था। जिम भी रहेंगे उसमें, इंक्लूड रहेंगे हमारे मुद्दे में, शामिल रहेंगे। ये थे राजेंद्र बबलू सोनी जी जो हमसे बात कर रहे थे, वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीयों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है अगर इनमें से 5-7 निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं और निगम में हंग वो आता है। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से वार्ड नंबर 7 से राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। साथ में खड़े हैं और हमारे साथ कांग्रेस के यहाँ के पार्षद प्रत्याशी मधुकर हैं। मधुकर जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप इस वार्ड में आए हैं, क्या संभावना है आपकी जीत की? संभावनाएं बहुत ही अच्छी है, जनता ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है और अब तक का जो जनता का रुझान है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और मेरे तरफ है, और जनता को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। ऐसी जनता की भावना और उनसे जो मेल मिलाप हो रहा है उससे यही मुझे अनुभव हो रहा है कि जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया है, और निश्चित रूप से 24 तारीख को मेरी विजय होगी ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। डैमेज तो नहीं करेंगे आपको? नहीं, वो उनको जो डैमेज करना होगा वो नहीं कर सकते, क्योंकि वार्ड की जनता आज बहुत ही जागरूक और समझदार और शिक्षित है। वो समझती है कि कौन व्यक्ति उनके लिए अच्छा जनप्रतिनिधि हो सकता है और कौन व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल को जनता ने देखी है। जब बीजेपी के एक पार्षद को यहाँ जिताया गया था, उनके कार्यकाल से भली भांति जनता परिचित है, और इसलिए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार मेरी निश्चित रूप से विजय होगी। और जनता पार्षद है यहाँ से,
आपका इस वार्ड के लिए विजन क्या रहेगा? मेरा विजन यह रहेगा कि जनता की सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें होने वाली दिक्कतों को दूर करूं, सड़क नाली पानी बिजली प्रकाश की व्यवस्था सफाई की व्यवस्था, ये मेरे लिए प्राथमिकता का विषय होगा। उसके अलावा जो स्लम श्रमिक बाहुल एरिया है, श्रमिक बाहुल एरिया में बहुत सारी छोटी छोटी लोगों की समस्याएं रहती है, किसी को निराश्रित पेंशन दिलाना है, किसी को विकलांगता पेंशन दिलाना है, किसी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं आज लॉन्च हुई है, उन सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, उनका लाभ दिलाना, ये मेरा प्रमुख कार्य रहेगा। बात करने के लिए धन्यवाद पब्लिक प्रेस से। ये थे मधु थे जो वार्ड नंबर 7 से लड़ रहे हैं। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष राजनांदगांव छत्तीसगढ़। हम वार्ड नंबर 7 में हैं, यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है, इसलिए प्रत्याशी भी ज़्यादा हैं, तो हमें ज़्यादा इंटरव्यू भी लेने पड़ेंगे। विनोद भारती जी, पहले तो आपका स्वागत है पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ काफ़ी निर्दलीय भी हैं जी, तो आपको क्या संभावना लग रही है? जी हम तो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी हाँ। आपको निर्दलीय कितना डैमेज करेंगे? नहीं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनसे फर्क नहीं जी पड़ा। नहीं जी नहीं। दूसरी बात की ऊपर सरकार में के मैं कांग्रेस है जी, तो अगर मान लीजिए आप जीतते हैं जी, तो आप किस तरीके से यहाँ की जनता को सुविधा प्रदान कर पाएंगे? जी सबसे पहली बात तो है कि हमारे राजनांदगांव विधायक हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, सांसद हमारे संतोष पांडे जी हैं, उनके माध्यम से हम विकास करवाएंगे वार्ड में। आपका विजन क्या है इस वार्ड के लिए? आपकी मुख्य है ना, अगर आप जीतते हैं जी, तो इस वार्ड वासियों को जी आप प्राथमिकता किस सुविधाओं में देंगे? मैं तो सबसे पहले मूलभूत समस्या दूंगा, नाली बिजली सफाई जो अभी तक नहीं हुई है, नहीं हुई थी, आज देखिए वार्ड में इतना दुर्दशा है, और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं यहाँ से जी। आप अधिवक्ता संघ के भी हैं, तो आप वो है दूसरा। अच्छा, आगे आपका इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर आप इधर पे जीतते हैं जी, तो भाजपा में क्या लगता है आपको इसमें, इस पूरे 51 वार्डों में? जी भाजपा जीत रही है हमारे से, टक्कर है कि जीत रही है? जीत रही है, जीत रही है। कितनी सीट आएगी भाजपा? 35 से 40 आएगी हमारी। 35 से 40 जी जी। ये थे वार्ड नंबर 7 से पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष राजनांदगांव छत्तीसगढ़। पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट ज्वाइन करें हमारे 9200013100 व्हाट्सएप ज्वाइन करें, नाम जिला प्रदेश बताएं, समझने के लिए कॉल करें 9300076626 हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें, पब्लिक प्रेस पार्टनर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ पब्लिक प्रेस का मालिक बने, पत्रकारिता करें, मीडिया ई बिजनेस के साथ प्रेस और पत्रकारिता को स्वतंत्र करें, मीडिया लागत निकाले, मीडिया ई बिजनेस के साथ व्यापार करें। यूट्यूब लिंक नहीं खुलेगा।